आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आजादी के संघर्ष की कहानी, देश की आजादी पर जिसने लुटा दी अपनी जवानी, शहीदों की शहादत के बदले हमको मिली आजादी, 75 सालों में बदली भारत की तस्वीर, नई दुनिया का मार्गदर्शक बना आज का भारत। भारत आज एक सशक्त देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके लिए भारत को कई उतार चढ़ाव भरे सफर से होकर गुजरना पड़ा। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है जिसकी तरफ दुनिया आज आकर्षित हो रही है। देश के पास गर्व करने के लिए अब उपलब्धियां हैं, तो अफसोस जताने के लिए कई वजह भी है। हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन वो आजादी आज किस रूप में है? हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं ने आजाद भारत का जो सपना देखा था, उनकी नजरों में आजादी के जो मायने थे, क्या उसके अनुरूप हम आगे बढ़ पा रहे हैं? संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई है, उसे हम कितना आज तक साकार कर पाए? नागरिकों से समाज और समाज से देश बनता है। एक बेहतर नागरिक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। एक सजग समाज देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रदर्शक है। सवाल है कि एक देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहाँ खड़े हैं? इसका एक सिंहावलोकन करना बेहद जरूरी है। आजादी के इन सवालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, आज इसके भी बात करनी बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आज हमारे देश में चारों तरफ स्वतंत्रता की धूम है, क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, आज पूरा देश स्वतंत्रता के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच स्टूडियो में हमारे साथ पंकज रस्तोगी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, मौजूद है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आज साल 2022 है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि भारत में क्या कुछ बदलाव आए इन 75 सालों में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहता हूं आपके स्टूडियो के माध्यम से, कि जिन्होंने आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान किया कि आज हमको आजादी मिल सकी। और 1857 की क्रांति रही हो चाहे उसके बाद की, लोगों ने बहुत बलिदान दिया, उसी का नतीजा है कि आज 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और आज 75वां अमृत महोत्सव भारत मनाने जा रहा है, जो बहुत गौरवशाली दिन होगा 15 अगस्त का दिन। और भारत सरकार ने भी पूरा घर घर तिरंगा अभियान का श्रीगणेश कर दिया है, और हर जिले में, देश में 736 जिले हैं, तो 736 जिलों में और देश के सारे राज्यों में, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों में, सब जगह इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी सरकारें इसको पुरजोर तरीके से देश को की जनमानस के समक्ष एक वृहद महोत्सव की तैयारी हो रही है, जो 13 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख तक चलेगा। और इस दिन कोई अवकाश नहीं रहेगा, सारे कार्यालय खुलेंगे, सब कुछ रहेगा और देश की जनता अमृत महोत्सव का आनंद लेगी। और देश का अमृत महोत्सव, जो देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा, तो वो अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। पंकज जी, अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही भारत में जो विदेशी जो चुनौतियां थी, विदेशी ताकतों की, वो बहुत ज्यादा ही सक्रिय रही थी, तो भारत को उनसे निपटने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन सालों में? देखिए, आजादी के समय अंग्रेजों ने ही भारत के, आजादी हम लोगों को जो मिली है वो अंग्रेजों को, एक तरह से अंग्रेजों को भगा कर मिली। अंग्रेजों ने देश पे, पूरी देश की अर्थव्यवस्था और देश पे एकदम कब्जा कर रखा था और गुलाम बना के रखा हुआ था, जिसके लिए चाहे गांधी हो चाहे नेहरू हो, सभी का योगदान रहा, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सबके, किसी के बलिदान को हम इनकार नहीं कर सकते। उन्हीं के बलिदानों का प्रतिफल है कि आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस, जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अगर देखा जाए तो भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां थी कि वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी सुधारे, तो आपको क्या लगता है कि भारत ने उस स्पीड से अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कायम की है या कहीं ना कहीं भारत पीछे रह गया इसमें? नहीं देखिए, अगर उसकी बात करें तो 1947 की अगर बात करें तो उस समय के भारत में और आज के भारत में बहुत अंतर है। और उस समय का भारत जो था, भारत में गरीबी बहुत थी, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की संख्या बहुत थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी कृषि आधारित है, वो पहले भी थे, लेकिन संसाधन नहीं थे, खाद के संसाधन नहीं थे, तमाम जैविक खाद नहीं थी, तमाम चीज़ें नहीं थी, किसानों के पास बहुत गरीबी वो थी और मझले और निचले लेवल के किसान बहुत ज़्यादा थे, उनको बहुत परेशानी होती थी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें थी भारत में। अगर क्षेत्रवाइज बात करें तो बहुत विकास हुआ है देश का उस इन 70 सालों के दौरान, 75 सालों के दौरान। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जितना विकास मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद से और 2022 तक हुआ है, वो विकास को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसके तमाम आंकड़े हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो विगत 8 वर्षों के दौरान जो कार्य हुए वो 70 सालों में नहीं हुए होंगे, ये निश्चित आप मान लीजिए। बिल्कुल पंकज जी, अगर बात करी जाए तो जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जो हमारे पुरुष सेनानी हैं उनको तो सब याद रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं इन सब में लोगों से पीछे छूट जाती हैं। तो क्या लगता है महिलाओं का स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान रहा? देखिए, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और बिना पुरुष के, बिना मतलब महिलाओं के पुरुष अधूरे हैं, ये शुरू से कहा जाता रहा है, क्योंकि महिलाएं गृहिणी होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं और मतलब हर क्षेत्र में, और पुरुषों को के साथ कंधा से कंधा मिला के, चाहे वो आज़ादी का स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो उसमें भी हर तरह से उन्होंने योगदान दिया, तभी हमको आज़ादी मिली। और आज तो देश की आधी आबादी महिलाओं की है। बिल्कुल। और महिला आज राफेल उड़ा रही हैं, आज महिलाएं मिलिट्री में सेना के तमाम कैडेट्स हैं, तमाम उसमें भर्ती हो रही है। तो आज का दौर तो महिलाओं का युग है और देश की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। अगर बॉर्डर पर देखा जाए तो 1947 के बाद से 2022 तक स्थिति काफी बदली है, तो अभी बॉर्डर की मौजूदा स्थिति कैसी है? देखिए, बॉर्डर की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो बॉर्डर की मौजूदा स्थिति बहुत सुदृढ़ है और हमारे देश के खिलाफ कोई भी विश्व का, चाहे विश्व की महाशक्ति अमेरिका ही क्यों ना हो, हमारे खिलाफ कोई भी वो किसी प्रकार का वो मतलब देश, वो एक तरह से हमारे देश का परचम लहरा रहा है, वो डरता है कोई भी चीज़ हो बिना भारत के, उस बिना भारत की अनुमति के या भारत की स्वीकारोक्ति के, अगर भारत की स्वीकारोक्ति उस चीज़ में नहीं है तो उसको करने का साहस किसी में नहीं है। तो ये विगत 8 सालों के दौरान ये मोदी जी ने इस चीज़ को परचम लहराया, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्लोबल आइकन कहे जाने लगे हैं और विश्व में जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पूरा किया, इतनी बड़ी आबादी एक चैलेंज है, और विश्व के तमाम छोटे राष्ट्रों को उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन किया, तो ये सब एक भारत की उपलब्धि है कि भारत की बनी स्वदेशी वैक्सीन न कि विदेशी, और उसको देख के कितना पैसा देश का बचाया और देश के लोगों को एक मतलब स्वास्थ्य के प्रति एक इस तरह का चीजें दिया। अभी देखिए, एक भारत सरकार का आंकड़ा आ रहा है कि जीडीपी का 2.5% जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 2.5% भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करेगी। हर जिले में एक एम्स का सपना है भारत सरकार का कि हर जिले में एक एम्स बनाया जाएगा हर जिले में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक वास्ट योजना बनाई गई है। और देश का अभी देखिए बजट आया था 238 करोड़ का स्वास्थ्य बजट था, तो स्वास्थ्य परक चीज़ों पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए। अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो आप कार्य क्या करेंगे, आपकी किस हर क्षेत्र में आप अधूरे रहेंगे, मतलब माइंडसेट आपका अगर सेट नहीं होगा तो आप कैसे अपने कार्यों को आगे ले जाएंगे। तो ये अगर कहा जाए तो देश का एक समुचित विकास अगर हुआ है तो ये 8 सालों के दौरान, तो चाहे वो रक्षा क्षेत्र ले लीजिए या सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ले लीजिए, मतलब सड़क परिवहन मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा की देखिए नई पॉलिसी आई, तो इस तरह से बाहर क्षेत्र में रोजगार की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार ने किया कि आप आत्मनिर्भर बनिए, इसके लिए कई लाख करोड़ के मुद्रा लोन बांटे गए बिना किसी पार्शियलिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दिए गए, ये कोई नहीं कह सकता कि नए अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई, ये बिल्कुल गलत बात है। और प्रधानमंत्री आवास, सबको आवास, ये सरकार का एक नारा था कि नारा है और आगे रहेगा भी कि सबको आवास दे दिए जाए, तो ये सब चीजें। और स्वच्छता अभियान, सबसे बड़ी चीज स्वच्छता अभियान, जिसका श्री गणेश नरेंद्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया स्वच्छता अभियान, तो उसका असर ये रहा कि हर हर प्रदेश, हर जिलों में
पब्लिक जागरूक हुई और पब्लिक ने भी जो है स्वच्छता की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और अगर आप स्वच्छता से रहेंगे तो निश्चित समझ लीजिए आपको ना कोई बीमारी घर घेरेगी, ना आपके बच्चों को किसी प्रकार का कुछ होगा, वो स्वस्थ रहेंगे। जब भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी जो कहानियां हैं निकल के सामने आती हैं जिसमें किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपने पिता को खोया, तो कौन सा ऐसा पल आपको याद है जो आज भी कहीं ना कहीं आपके जहन में है? देखिए, ये तो आज़ादी में तो बहुत से लोग ऐसे हैं आज़ादी में बलिदान देने वाले, और ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता है, मतलब उन्होंने मतलब आज़ादी में योगदान देने वाली महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, ऐसे बहुत बड़ा वर्ग है जिनको कोई नहीं जानता कि उन्होंने उनके परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, वो उन्होंने कितना कष्ट झेले। लेकिन सवाल ये है कि हम सभी उनको नमन करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के सुअवसर पर, हम सभी उनको नमन करते हैं और नमन करना भी चाहिए, क्योंकि वो आज उन्हीं का परिणाम है कि हम इस स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, आज हम आज़ादी का 75वां साल मना चुके हैं, और आप युवाओं को आज क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी अगर पूरे विश्व में अगर है तो वो भारत में है। भारत युवाओं की आबादी वाला देश है और शिक्षित लोग भी बहुत हैं। हालांकि बहुत से प्रदेशों में पूर्व की सरकारों ने शैक्षणिक बेरोजगार पैदा किए, उनको रोजगार के संसाधन नहीं दिए, शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि नकल मार के पास हो चाहे जैसे पास हो डिग्री लो, तो वो इस तरह की शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है, समुचित ध्यान दे रही है, और मैं युवाओं को विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं पहले अपना गोल निर्धारित करें, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं इसको इस क्षेत्र में जाना है और उसी क्षेत्र में जाने की ओर अग्रसर हों। आप मीडिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप शुरू से ही मीडिया के लिए मीडिया परख शिक्षा को ग्रहण करें और तमाम उस चीज़ों को देखें, तमाम न्यूज़ देखें, तमाम अखबारों को पढ़ें, तमाम पोर्टल्स को देखें अगर आप मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप अगर क्या नाम है तमाम टेक्निकल एजुकेशन उसमें क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस टेक्निकल क्षेत्र को चुनें। सरकार कौशल विकास मिशन देखिए चला रही है, कौशल विकास मिशन के तहत तमाम चीज़ें चल रही हैं कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो जाए, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है आगे चल के उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हाई स्कूल पास करके भी उसने छोड़ दिया है तो वो टेक्निकल उस चीज़ों को पकड़े और टेक्निकल काम करे। गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय दे रही है, बढ़ावा दे रही है, लोन दे रही है, देखिए मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं 10 लाख तक का लोन 8% एनुअल ब्याज पे बिना किसी कोलेटरल के दिया जा रहा है, तो ये युवाओं के लिए ही है। आप एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, आप अपने अंडर में 10 लोगों को नौकरी दें, स्वयं आत्मनिर्भर बने और देश को तरक्की पे ले जाएं, देश की जीडीपी को आगे बढ़ाएं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा जा रहा है देश में उसको ले जाइए, तो इस तरह के सुदृढ़ीकरण करिए। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप नौकरी की ओर देखिए परेशानी तो जरूर आएगी, लेकिन अगर आप सेल्फ मेड बनेंगे, सेल्फ अगर एम्प्लॉयड होंगे तो आप तमाम लोगों को रोजगार देंगे, तमाम चीजें आप आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आप इस तरह का नहीं क्षेत्र रखते हैं ठीक है आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए, मतलब प्रयास बहुत बड़ी चीज है, प्रयास से ही सब कुछ संभव है। बिल्कुल, आजादी के 75 साल तो हमने मना लिया, अब आगामी आने वाले कुछ सालों में हम 100 वर्ष भी मना लेंगे, तो आप 100 वर्षों में कैसे भारत की कल्पना करते हैं या आप नए भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं? देखिए, 100 सालों में तो भारत विश्व का नंबर एक राष्ट्र बन जाएगा, इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आज देखिए विश्व में अमेरिका का मार्केट है, शेयर मार्केट है डाउ जोन्स, लेकिन भारत के जो लोग हैं वो मतलब भारत की जो इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि आज विश्व के तमाम देश और वहां के एनआरआईज यहां पे पैसा लगाना, अपने इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब सुरक्षित मानते हैं, और यहाँ की पॉलिसी भी इस तरह की, ये सब चीज़ें सरकार की नीतियों के कारण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2004-05 में शेयर मार्केट का इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज का 5000 था ओनली, और आज वो जो है 53,000-55,000 के करीब हो गया है, तो ये मतलब निफ्टी 17,000 के करीब है, तो ये मतलब इतना भारी इजाफा, 10 times ग्रोथ, इतना किसी कंट्री के मार्केट में नहीं हुई है। और शेयर मार्केट इसलिए है कि शेयर मार्केट फास्ट ग्रोइंग होता है, देखिए शेयर मार्केट अगर बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि देखिए जो देश की कंपनियां हैं
आज उन कंपनियों को अगर फंड की जरूरत होती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनको अगर फंड की जरूरत होती है तो वो पब्लिक के बीच जाती हैं, पब्लिक के बीच जाती हैं, तो वो अगर उनकी कंपनियां अच्छे तरह से ग्रोथ करेंगी तो उनका शेयर मार्केट में बढ़ेगा, प्रॉबिलिटी बढ़ेगी उनकी, तो पब्लिक को उसका लाभ मिलेगा। तो ये सीधी सी बात समझ लीजिए, तो शेयर मार्केट किसी देश के अगर विकास का आईना देखना है तो उस देश के शेयर मार्केट के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। अभी आप देखिए रशिया में युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन और रशिया में, वहां का शेयर मार्केट क्रैश कर गया और एकदम नीचे स्लैश डाउन हो गया, लेकिन इंडिया में भी आया, लेकिन इंडिया में इतना स्लैश डाउन नहीं हुआ। तो ये भारत की एक इकोनॉमी और यहाँ की जलवायु जिस तरह की है कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु रहती है, उसका फायदा यहाँ के किसानों को मिलता है, यहाँ के तमाम तरीके के संसाधनों में उसका लाभ मिलता है, और भारत में इस तरह का सब प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि इंडिया ने चाइना के इंपोर्ट को बंद कर दिया, चाइना के इंपोर्ट को बंद कर दिया, तो ये भारत की मतलब भारत की सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था कि चाइना का एक्सपोर्ट बंद करिए, सारी चीजें आप खुद बनाइए, आप जिस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं चुन लीजिए और स्वयं बनाइए। जैसे मोबाइल के क्षेत्र में अगर आप लीजिए, आज मोबाइल करोड़ों की संख्या में इंडिया में है और 5G अब आने जा रहा है, 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल के क्षेत्र में आने जा रही है। तो सवाल इस बात का है कि सरकार ने ये देखा और इसको बंद कर दिया, और आज देखिए मोबाइल इंडिया बन रहा है, सब कुछ इंडिया में हो रहा है, खिलौने का आयात बहुत होता था, बच्चों के टॉयस का, वो आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। और दूसरी चीज जो सरकार ने सबसे बड़ी चीज किया, जो विलुप्त हो गई थी चीजें, जैसे हम लोग पूर्वे में चाय पीना, कसोरे में खीर खाना, ये सब जो मतलब जो मिट्टी के बर्तनों की कलाकृतियां थी वो खत्म हो चुकी थी, सरकार ने उनको पुनर्जीवित करने का काम किया, आज वो पुनर्जीवित है, आज मिट्टी के खिलौने आपको मिल जाएंगे, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आज आपको, पहले चाइना से मूर्तियां आ रही थी बन के, बताइए हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां चाइना से आ रही थी, ये सब बंद हो गया, आज उसका उससे लोगों को रोजगार मिला। तो ये सब चीजें सरकार का जो 8 सालों में विजन रहा है, इसको एक पत्रकार होने के नाते, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये इसमें निसंकोच कहना चाहता हूं कि 8 साल में मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में आयाम स्थापित किए, कोई जो क्रिटिसाइज करना है वो करता रहे, सरकार के कार्यों पे कोई फर्क नहीं, सरकार अपने कार्यों पे लगी हुई है वो करती जा रही है, और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से 75 सालों की एक लंबी यात्रा में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने आज विश्व में एक नई अपनी जगह बनाई है, जहां आज वो विश्व के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरा है। धन्यवाद पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन ये आजादी हमारे विभाजन के साथ आई। भारत की जमीन से नए देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बने इस नए देश की वजह से भारत को अपना एक बड़ा भूभाग और लोगों को खोना पड़ा। इसके बाद कश्मीर और अक्साई चीन में हमें अपनी जमीन खोनी पड़ी। हालांकि सिक्किम को अपने साथ जोड़ने पर हमारी सरकार कामयाब हुई, तब से लेकर अब तक भारत अपनी सीमा की हिफाजत करता आया है। कई राज्यों में अलगाववादी ताकतों, नक्सलवाद, आतंकवाद की चुनौती से निपटने और सीमा पर चीन एवं पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत ने देश की संप्रभुता पर आंच नहीं आने दी। आंतरिक चुनौतियों एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुटिल चालों को नाकाम करते हुए भारत ने अपनी अनेकता में एकता की खासियत, साथ ही धर्मनिरपेक्षता की भावना आज तक बरकरार रखी है। भारत जीवंत लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था है और विरोधी विचारों का सम्मान लोकतंत्र को आज तक ताकत देता आया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर गंभीर मतभेद रहे, लेकिन इन मतभेदों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत करने का काम किया है। लोग अपनी पसंद से सरकारें चुनते आए हैं। भारत के लोकतंत्र में लोग ही अहम हैं और ये भारत की जीत है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी। जश्न आजादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस के इस खास कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों को प्राइम टीवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
15 अगस्त आज ही के दिन हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिली थी, यानी कि कहा जाए तो आज ही के दिन भारत का पुनर्जन्म हुआ था। लेकिन इस पुनर्जन्म के पीछे बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे वीरों का बलिदान है जिनकी बदौलत आज हमारा देश आजाद हुआ है। वहीं आजादी की गाथाओं को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व नौसेना अधिकारी इंजीनियर अजय कुमार। मुस्कान जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मुस्कान जी मेरा नाम अजय कुमार है और 1984 में मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया। भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने के बाद जब मैं ट्रेनिंग करके और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मेरे को सबसे पहले पोस्टिंग INS विक्रांत में मिली, जहाँ पे मेरे हवाई जहाज रहते थे, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना के एविएशन ब्रांच में इंजीनियर था जी। उसके बाद ऑपरेशन पवन हुआ। ऑपरेशन पवन में हम लोग गए, श्रीलंका रह गए, ट्रिंकोमाली में हम लोगों ने लगभग एक साल लड़ाई में हिस्सा लिया। मेरा हवाई जहाज जो एलिजे एयरक्राफ्ट था वो रॉकेट फायरिंग के लिए जाता था, जो इनकी LTT की बोट होती थी उन पर फायरिंग करता था, उसके बाद श्रीलंका में लैंड करता था ट्रिंकोमाली में, और जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी फिर वहाँ से हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट देते थे और हवाई जहाज वापस आ जाता था। इसके बाद मेरा एविएशन ब्रांच के क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस में मेरा ट्रांसफर हो गया और 9 साल में एक अलग अलग प्रोजेक्ट में कोचीन में रहा, और 99 में कारगिल युद्ध के बाद मैं नेवी छोड़ के वापस लखनऊ आ गया। ये मेरा वहाँ का सफ़र था, और फौज में रहते हुए डिफरेंट तरह के कोर्सेज किए, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग की, क्योंकि वहाँ पे हर डेढ़ साल में आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको अपडेट रहना पड़ता है, आपको टेक्निकली अपडेट रहना पड़ता है, आपको फिजिकली अपडेट रहना पड़ता है, जिससे हमारी फौज की चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। अगर देखा जाए तो 1947 से आज हम नए एक भारत यानी कि 2022 में जी रहे हैं, तो अभी बॉर्डर की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है कि किस तरह से बॉर्डर पर इस वक्त जवान तैनात है और उनके बीच क्या क्या मुश्किलें हैं जिससे उनको सामना करना पड़ता है? जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ जी, तो लगभग 500 रियासतें ऐसी थीं जो हिंदुस्तान में मिलना नहीं चाह रही थी, लेकिन उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको आपस में मिलाया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जूनागढ़, जो मिलना नहीं चाहती थी, जहां पे हमें बाय फोर्स उनको हिंदुस्तान में मिलाया गया। लेकिन उसी के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि अभी हम इन पे वहां पे कबालियों को भेजा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां के राजा हरि सिंह जो थे वो समय लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से थोड़ा सा दोनों को उन्होंने कहा था कि एक युद्ध विराम आप कर लीजिए और हम डिसाइड करते हैं कि हमको किधर जाना है। तो उस ट्रीटी पे हरि सिंह के साथ पाकिस्तान ने साइन कर दिया और हिंदुस्तान ने साइन नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया राजा हरि सिंह को और वहाँ पर कबालियों को भेज के, जहाँ पर उनके छदम सेना भी थी, और वहाँ पर आक्रमण किया। और जब वो आक्रमण हुआ, हमारी फौज उस समय बहुत कमजोर थी, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो 2/3 सेना वो हमारे हिंदुस्तान के पास आई थी और 1/3 सेना पाकिस्तान के पास गई थी। हम कमजोर थे, लेकिन हमने कबालियों को हराया और उनको वहां से हटाया। जम्मू कश्मीर पे हमारा कब्जा रहा, लेकिन बीच में UNO के आ जाने से हमें POK को छोड़ना पड़ा। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा एक वार हुआ चाइना के साथ 1962 में जी। और वो जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए उन्होंने सोचा चाइना हमारा क्या करेगा, और हमारी फौज पूरी तरह से तैयार बिल्कुल नहीं थी, हमारे पास जूते तक नहीं थे, हमारे पास कपड़े तक नहीं थे, किरमिच के जूते पहन के, जो कपड़े के जूते होते हैं उनको पहन के हमारी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन हम उस अपने कब्जा हमने बनाए रखा अपने सीमा पे, लेकिन वो युद्ध हम लोगों को एक तरह से नीचा दिखाने का हुआ। लेकिन उसी के बाद नेहरू जी नहीं रहे और तब लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान ने सोचा, क्योंकि उस समय अयूब खान और उनके डिफेंस मिनिस्टर भुट्टो थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा
कि अब इनके हिंदुस्तान पे हम लड़ाई वार करें, तो जिससे ये कमजोर हैं, चाइना से अभी युद्ध हारे हैं और अभी अगर हम हिंदुस्तान को नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन 1965 की जो हमारी लड़ाई हुई उसमें हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, क्योंकि उस समय नौसेना और वायु सेना का उतना रोल नहीं था जितना हमारी पैदल सेना का था। हम मजबूत थे और हमने उनके पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया और वहाँ पे हम उनसे हमने जीत हासिल की। लेकिन पीओके तब भी वहाँ रह गया और हम लोग फिर से हम लोगों ने अपनी सेना की मजबूती बनाए रखी और फिर 71 का वार हुआ। 71 के वार में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 93,000 युद्ध कैदी हम लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर एक बार हमारे आकाओं ने ऊपर गलती की और गलती क्या की कि बिना पीओके को लिए हुए, बिना हमारी सीमा को निर्धारित किए हुए, और हमने वो 93,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस कर दिए। आप सोचिए कि हमने उनके बदले में अपने सैनिकों को भी वापस नहीं लिया, उनके बदले में हमने पीओके को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं वो भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो उसको भी हमने वापस नहीं किया। और एक हमने फिर से बहुत बड़ी गलती की और उनके युद्धबंदियों को वापस किया। तो हम गलतियों पे गलतियां करते रहे। 1965 में गलती की, 1962 में गलती की और 1971 में जब हमने लड़ाई लड़ी थी तो हमने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग कर दिया और आज हम लोग मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि बांग्लादेश हमारा अच्छा पड़ोसी है और हमें अब उस तरफ से आक्रमण का कोई डर नहीं है। अजय कुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि जब आप बॉर्डर पे तैनात थे या जब आप देश को सेवाएं दे रहे थे तो उस वक्त आपके पास कपड़ों के जूते थे, लेकिन आज हम 2022 में जी रहे हैं। जाहिर सी बात है, तकनीक के साथ साथ सेनाओं का भी खास ख्याल सरकार द्वारा रखा जा रहा है, तो तब के बॉर्डर पर और अब के बॉर्डर की स्थिति और तब के सैनिकों में और अब के सैनिकों की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? अब तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है। हमारी हिंदुस्तान की सेना विश्व में तीसरे नंबर पे है और अब हम लोगों ने रिसर्च शुरू कर दिए। जब 1992 में क्राइसिस आया था, जब हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे, तो हम लोगों ने स्वदेशीकरण पे बहुत ध्यान दिया और उसमें उस स्वदेशीकरण की टीम में मेरा भी एक पार्ट था। मैं इंडियन नेवी की तरफ से उस स्वदेशीकरण के उसमें था और हम लोगों ने बहुत सारे कलपुर्जे जो हम बाहर से आयात करते थे उनको यहाँ बनाने के लिए रिसर्च शुरू कर दी और धीरे धीरे हम लोग पुर्जे बनाते चले गए और आज हम लोगों का जो हवाई जहाज हम लोगों को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, चाइना ने भी उसकी जानकारी, चाइना कह रहे हैं अमेरिका ने भी उसकी जानकारी मांगी है हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग बाहर के देशों को अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जहाँ तक आधुनिकीकरण की बात है, हमने हमारी मिसाइलें हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी, तोपें हमने बनानी शुरू कर दी, आज हम सैटेलाइट बना रहे हैं और लोगों के सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं। आज से अब वो दौर नहीं रह गया है युद्ध का, अब आमने सामने की लड़ाई कम होनी है, टेक्निकल वार होनी है, तकनीक की लड़ाई, तकनीक की अब लड़ाई है, अब दिमाग वालों की लड़ाई है, अब सैटेलाइट की लड़ाई है, अब ड्रोन से लड़ाई होनी है। तो इसलिए टेक्निकली हमारा हमको अपनी फौज को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और उसी की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी सेना मजबूत है। आज पूरे विश्व की सेना किसी भी सेना से हम टक्कर लेने के लिए तैयार है। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जब सेवाएं देश को दे रहे थे, जब आप सेना में तैनात थे तो कई सारे ऑपरेशंस थे, जैसे ऑपरेशन पवन और कारगिल युद्ध, तमाम ऐसे कई ऑपरेशंस थे जिनका आप हिस्सा बने, तो आप उस दौरान कुछ ऐसे यादगार पल हमारे साथ साझा करिए जो कहीं ना कहीं आपके दिल में आज तक जीवित हैं। अगर हम LTT ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन पवन की, तो उसमें फिजिकली मेरा इन्वॉल्वमेंट था, इंडियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट था। अब होता क्या है कि हम लोग तो एक कहावत थी, फौज में मौज, अगर आप ये सोच लेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, अगर इंजॉय करते करते हुए काम करिए, लड़ाई लड़िए, और अगर आप उसको टेंशन में लेंगे तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो जब हम लोग श्रीलंका में थे तो हम लोग तो हंसते खेलते हुए, गोलियां चल रही हैं,
कोई बात नहीं, हम लोग अपनी ड्यूटी पे लगे रहते थे। एलटीटी वार एक बहुत ही कठिन वार था। उसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी सिविलियन से लड़ाई लड़ते हैं तो आपको पता नहीं होता इसमें आपका दुश्मन कौन है और वहां का नागरिक कौन है, और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारी बहुत कैजुअल्टी हुई। और ट्रिंको माली में AN-32 हवाई जहाज एयरफोर्स का था, जिसमें हम लोग पता नहीं आर्मी वाले कितने लोगों को, जिनके अंग भंग हो जाते थे, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, माइन ब्लास्ट में उड़ गया, उनको वहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल से हम लोग मद्रास या और दूसरी जगह हम लोग भेजा करते थे। बहुत कैजुअल्टी हुई थी, तो ये बहुत दुखद बात थी। लेकिन अगर हम श्रीलंका में LTT के खिलाफ नहीं लड़ते तो शायद वहाँ पे चाइना बैठ जाता, और चाइना की वजह से हम लोग एक बार फिर उस फ्रंट पे कमजोर हो जाते। तो वो युद्ध बहुत जरूरी था। लोग कहते हैं कि राजीव गांधी जी की गलती थी, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन कैजुअल्टी बहुत हुई। उस कैजुअल्टी का हमें बहुत दुख है। हमारे बहुत सारे जवानों ने अपनी वहाँ पे जान खो दी, बलिदान उन्होंने दिया, और शायद आज उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग जिंदा हैं और देश आगे बढ़ रहा है। अजय जी, देखा जाए तो अभी आपने बताया कि हमारे आकाओं की ही गलती थी जो आज तक हम झेल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे हमारे आकाओं ने गलती की जिनका खामियाजा हम साल 2022 में भी भुगत रहे हैं? बिल्कुल भुगत रहे हैं। चाइना ने जब 1962 में जहां तक कब्जा कर लिया था उसने छोड़ा नहीं, तो आज तक हम उसको भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊंची पोजीशंस बना ली हैं। अगर हम सबसे पहले देश आजाद होते ही जो सबसे बड़ी गलती हुई थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर और जितने भी 500 रियासतें हैं इनको बलपूर्वक अपने में मिला लीजिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वहाँ पे, उनकी दोस्ती वहाँ का शेख अब्दुल्ला जी से थी। हरी सिंह जी ने बोल दिया था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उसके बावजूद हमने जम्मू कश्मीर पे कब्जा नहीं किया, और आज तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं। वहाँ पे उग्रवादी आ रहे हैं, उग्रवादी हमारे देश पे अटैक करते हैं, हमारी सेना के जवान वहाँ अपनी जान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, और अभी तक उस गलती का पश्चाताप हम लोगों को हो रहा है। सेना वहाँ पे, सेना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो एक गलती हमारी ये हुई थी। दूसरी, हमने जब 71 वार हुआ था तो उस समय हमारे ये जो 93,000 हम लोगों ने फौजी वापस किए थे, उसके बदले में हमने कुछ नहीं लिया, एक वो भी बहुत बड़ी गलती रही। लेकिन जब से कारगिल वार हुआ, जब से हमको उसमें धोखा मिला, तब से हम लोग अलर्ट हो गए हैं, और शायद हमारी सेना मजबूत हो गई है। हम एक एक पॉइंट्स पे, और जो भी हमारे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ बैठ के हम लोग बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, और अब शायद पाकिस्तान इस तरह की दोबारा गलती नहीं करेगा। अजय जी, अगर देखा जाए तो आज हमारा देश जो है वो आजादी के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है, और आज सभी जो भारतवासी हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा है। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो सैनिक हैं उनके परिवार वालों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज तो जो सैनिक होता है उसको तो डर होता ही नहीं, और ना उसके परिवार को डर होता है, क्योंकि हम लोग उस तरह के माहौल में पलते बढ़ते हैं कि हमको सिखाया जाता है देश की रक्षा के लिए हम लोग आए हैं, हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा जब अभी कारगिल में एक बच्ची अपने पिता को सैल्यूट कर रही है, रो रही है लेकिन अपने पिता को सैल्यूट कर रही है, तो डर तो है ही नहीं। जब बच्ची एक सैल्यूट कर सकती है तो हम लोगों के परिवारों में डर नहीं होता। आपने देखा होगा जवान बेटे के जाने के बाद भी माँ बाप आते हैं, बेटों के सलूट करते हैं, और उसके बावजूद कहते हैं कि मैं अपने अगले बेटे को, या इसके बाद जब कभी मेरे को मौका मिलेगा, मैं अपने बेटे या बेटियों को फौज में भेजूंगा। तो कहीं से डर का माहौल नहीं होता। हम लोगों का मोराल हमेशा हाई रहता है, और शायद मोराल हाई होने की ही वजह से हम लोग हर युद्ध में जीतते हैं। अजय जी, अभी तो आपने जो सैनिक हैं उनके परिवार वालों को तो संदेश दे दिया, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी यानी कि युवाओं के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या युवाओं से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, 75 साल हमारे हो गए, हमारे युवाओं को ये मालूम होना चाहिए कि देश की फौज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए ये देश बचा है, आप पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, आप इत्मीनान से रह पा रहे हैं। आप लोगों को अब
जाति धर्म इनकी राजनीति से बचना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, आपको पान की दुकान पे खड़े होकर सरकार नहीं बनवानी है, आपको पढ़ाई लिखाई करके आपको अपने समय को खराब नहीं करना है, आपको सीखना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। जैसे मेरे साथ कुछ फौजी लोग हैं, हम लोगों ने 23वां विजय दिवस अभी था कारगिल का, हमने मिशन गो ग्रीन की शुरुआत की और 23 पौधे लगाए अपने 23वें कारगिल विजय दिवस पे। हम लोगों ने रक्षा की देश की सीमाओं पे, अब हम लोग रक्षा करने जा रहे हैं पेड़ को लगा के, और जब पेड़ बड़े होंगे ऑक्सीजन देंगे फिर हमारे देश की रक्षा होगी। और हम अपने युवाओं से कहना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं तो जाइए, देश के अंदर रह के भी आप देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हर अपने जन्मदिन पे 2 पौधे जरूर लगाइए, क्योंकि वो भी पूरे विश्व की रक्षा करता है और हमें पौधारोपण करना है। मैंने कल से 6,000 नीम के पेड़ लगाने की शुरुआत की है, इसके पहले भी मैं 15,000-20,000 पेड़ लगा चुका हूँ। तो मैं आप सबसे पूरे देशवासियों से गुजारिश करता हूँ और कहता हूँ कि आप अपने घर में अपने माँ बाप के नाम पे, अपने परिजनों के नाम पे पेड़ लगाइए और एक हरित क्रांति लाइए। अजय जी, आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं जहां पर महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि आज हर एक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा सामने निकल के आ रहा है, तो ऐसे में जो सेना है उनमें महिलाओं का क्या कुछ योगदान रहा है? देखिए, मैं तो यही स्टूडियो में देख रहा हूँ कि महिला ही कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो फौज में भी, जब हम लोग फौज छोड़ने वाले थे तभी से फौज में एंट्री शुरू हो गई थी हमारी महिलाओं की, जबकि मेडिकल सर्विसेज में तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन अब कॉम्बैट के लिए भी हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं, पायलट भी आ रही है। और कल के एक न्यूज थी कि 6 महिलाएं हमारे नेवी के हवाई जहाज डॉर्नियर को लेके और पूरा कॉन्टिनेंटल घूम के आके एक ऑपरेशन किया और वापस आई, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 6 महिलाएं इंडिपेंडेंट हवाई जहाज उड़ाकर और समुद्र की निगरानी करके अपना टास्क पूरा किया। आज आने वाले समय में केवल हम लोग कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन आप अगर कोई रिजल्ट्स देख लें, स्कूल के रिजल्ट्स देख लें, कॉलेज के रिजल्ट्स देख लें, हमेशा महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं, तो आने वाले समय में वो पीछे नहीं रहेंगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी और देश की रक्षा करेंगी। धन्यवाद अजय जी, आज इस खास मौके पर हमारे साथ समय बिताने के लिए और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए कि किस तरह से आपने बॉर्डर पर तैनात रहते हुए हमारे देश की रक्षा करी। धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए अजय जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ स्टूडियो में पूर्व नौसेना अधिकारी इंजीनियर अजय कुमार मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि 1947 से लेकर साल 2022 में बॉर्डर्स की क्या कुछ स्थिति रही है, कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, कितनों ने अपने पिता को खोया, कितनों ने अपने भाई को खोया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा देश आज़ाद है, क्योंकि ये उन्हीं की बलिदान का नतीजा है, ये उन्हीं की कड़े परिश्रम का नतीजा है जो आज हम अपने घर में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी के साथ घूम रहे हैं। फिलहाल हमारे इस आजादी के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को प्राइम टीवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। उदारीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में इसने सफलता की एक बड़ी छलांग लगाई है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीकी में दुनिया भारत का अब लोहा मान रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत को नए नए कीर्तिमान हासिल हुए। मंगल मिशन की सफलता साथ ही रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महारत रखने वाले चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है। आईटी सेक्टर में देश अग्रणी बना हुआ है। इन उपलब्धियों ने देश को सुपर पावर बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।